गॉड, अभी तक कोई रूम क्लीन करने को नहीं आया, कहाँ मर गया सबके सब, सन्नाटा सन्नाटा। आपने पुकारा और हम चले आए, जान हते। जान तो तुम्हारी हम निकाल देगा सन्नाटा, ये सरकारी हॉस्पिटल है, तुम काम नहीं करेगा, सफाई नहीं रखेगा। मैडम, इस रूम का साफ करने का क्या फायदा, वैसे भी इससे मिलने तो कोई आता नहीं है, और जब भी आओ एक ही बात बोलता रहता है, मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा। इससे ना तो मुझे करण अर्जुन मूवी की याद आ जाती है। सन्नाटा, एक कान के नीचे लगाएगा ना तुमको, पूरा सन्नाटा छा जाएगा। मैडम, गुस्से में आप और भी ब्यूटीफुल लगती है। एक बात पूछू? पूछो। इनका कोई बेटा बेटा है भी? आप सालों से इनके दीवार पत्र पर खत लिखती है, ना कोई जवाब आता है, ना इनका बेटा। इनका बेटा आएगा। कौन कौन है? मैं बाबू। बाबू तो आ गया। अरे देखिए आपको कोई? हाँ, मुझे कोई देखने नहीं आता। सबको लगता है मेरा रोग उन्हें भी लग जाएगा। जब मेरी सगी बीवी ही नहीं आई तो मैं दूसरों से क्या उम्मीद रखूं? पर अब तो आ गया है ना, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। देखिए देखिए, मैं कुछ मत बोल बेटा, मेरी ये कमजोर आंखें तुझे देखने के लिए तरस रही है, मैं तरस गया हूँ तेरे लिए। आपको क्या हुआ है? जिंदगी के दिए गए जख्मों क्या, ये जख्म कुछ भी नहीं है। बेटा, तेरी माँ कैसी है? ठीक है बाबा, आपको बहुत याद करती है। याद करती है तो मिलने क्यों नहीं आती? मैं लाऊंगा माँ को आपके पास, बस आप चिंता मत करो, खुश रहा करो। बाबा, जब तक खाना आए आप थोड़ा आराम कर लो। आज सोऊंगा नहीं मैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अगर ये आंखें बंद की तो कभी तुम्हें देख नहीं पाऊंगा। जीना चाहता हूँ मैं, जीना चाहता हूँ बाबू। आप कौन? मैं बाबू। बाबू, मिस गोम्स, मिस गोम्स, जल्दी आइए। क्या हुआ? देखिए बाबू आ गया। बाबू? बाबू आ गया? हाँ बाबू, यह मिस गोम्स सालों से मेरी सेवा कर रही है, और मेरे लेटर्स जिन्हें पढ़कर तू यहाँ पहुँचा है वो भी यही तुझे पोस्ट करती थी। थैंक यू सिस्टर। नो मेंशन डियर, मुझे बहुत खुशी हुआ कि तुम आ गया। आज एक पिता के विश्वास का जीत हुआ है। नाउ इट इज योर रिस्पांसिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ योर फादर। यस, और मैं मिस कॉम्स का कर करेंगा। यू इडियट। ओके ओके, अब तुम दोनों खाना खाओ और बातें करो, चलो सन्नाटा। आपने बोला। Mm-hmm.
I'm sorry to say, your father is no more. मेरे बाबा मर नहीं सकते, नहीं मर सकते हैं वो। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, but एक ना एक दिन हम सबको जाना है। बाबू, please inform your mother. मैं इनका बेटा नहीं हूँ। ये क्या कह रहे हो तुम? लगता है तुम्हें मानसिक आघात लगा है। Relax, relax. No, I am okay. हाँ, ये सच है कि पिछले 10-12 घंटों से मैं इनके साथ था, पर इन चंद घंटों में सगे पिता से भी ज़्यादा मेरा इनसे लगाव हो गया। एक बीमार आदमी को सिर्फ इस वजह से छोड़ देना कि उसकी बीमारी हमें भी लग जाएगी, वाकई ये गिरी हुई मेंटालिटी है। डॉक्टर, मैं इनका बेटा नहीं हूँ। तो क्या तुम मेरे खत पढ़ के इनसे मिलने नहीं आया है? नहीं, मैं एक जूनियर डॉक्टर, आज ही इस हॉस्पिटल में मेरी पोस्टिंग हुई है। डॉक्टर, मैं आप ही से मिलने गया था, तो किसी ने मुझे कहा कि आप रूम नंबर 10 में विजिट पर गए हो, तो मैं यहाँ रूम नंबर 10 में चला आया और यहाँ पर इनसे मेरी मुलाकात हो गई। जब मैंने इनके जख्म देखे और आपकी लिखी हुई चिट्ठियाँ पढ़ी, तभी मैंने सोच लिया कि मैं इनको जितनी खुशी दे सकता हूँ वो मैं ज़रूर दूंगा। सगा बेटा न होते हुए भी तुम्हें इन्हें सगे बेटे से भी ज़्यादा खुशी दी है, इस जिम्मेदारी निभाने के लिए आई सल्यूट यू। अभी एक और जिम्मेदारी निभानी बाकी है, पिताजी के देह संस्कार की। मैं अब बोल रहा हूँ तेरे लिए, मैं दौड़ रहा आज तो व्याकुल हो सही, मेरे काम में मशगूल हो रहा, सबसे थक के हार रहा हूँ फिर भी तेरे लिए जाग रहा, महामारी को हटा रहा फिर देश सुरक्षित बना रहा। घर का पत्थर नकार दिया है, तेरे होने पे लुटा दिया है, घर का पत्थर नकार दिया है, तेरे होने पे लुटा दिया है। ओ अब दिल तेजी से भागता है, थर थर के वो कांपता है, अब दिल तेजी से भागता है, ओ थर थर के वो कांपता है। शब्द मैं अब बोल रहा हूँ तेरे लिए, मैं दौड़ रहा आज तो व्याकुल हो सही, मेरे काम में मशगूल हो रहा, सबसे थक के हार रहा हूँ फिर भी तेरे लिए जाग रहा, महामारी को हटा रहा फिर देश सुरक्षित बना रहा। निशब्द मैं अब तेरे लिए, मैं आज तो व्याकुल मेरे काम में निडर, इससे मैं लड़ रहा बढ़ती धड़कने थाम रहा, पीछे रह गए हैं जो राही वापस उनको ला रहा हूँ।